में हुई मौत के मामले में सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने बड़ा एक्शन लिया है। दरअसल एसडीएम पुलिस अधीक्षक को हटा दिया गया है। छतरपुर कलेक्टर को सागर कलेक्टर बनाया गया, अब एसडीएम सागर भी हटा दिए गए हैं और पुलिस अधीक्षक रायसेन को सागर का एसपी बनाया गया, जबकि शाहपुर पीएचसी के डॉक्टर हरिओम बंसल को भी निलंबित किया गया। मकान मालिक और आयोजकों पर भी एफआईआर दर्ज की गई है। सागर से सामने आई कैसी तस्वीर जिसने सबको दहला दिया। 9 घरों के चिराग बुझ गए। संडे का दिन था, गांव में महाकथा का आयोजन था और शिवलिंग का निर्माण हो रहा था। बच्चे जर्जर मकान के पास में बैठकर पूजा कर रहे थे कि तभी भरभराकर एक दीवार गिरी और चीख पुकार मच गई। बुझ गए 9 चिराग, मौत की दीवार, मातम, चीख पुकार, जर्जर मकान, जमींदोज जिंदगी, मासूमों की मौत, कौन गुनहगार, मलबे में सपनों ने तोड़ा दम, अनकही फरियाद, मेरा लाल लौटा दो। इस मलबे में न जाने कितने परिवार के सपनों ने दम तोड़ा। इस मलबे में वो मातम है जिससे हर कोई गमगीन है। एक साथ 9 घरों के चिराग का बुझ जाना, महसूस कर रहे हैं क्या इस दर्द को? समझ सकते हैं उन माओं की चित्कार को जिन्हें उनका लाडला कलेजे का टुकड़ा अब कभी दिखाई नहीं देगा। देखते ही देखते खुशियां मातम में बदल गई। सागर से 50 किलोमीटर दूर शाहपुर गांव में हरदौल मंदिर में शिवलिंग निर्माण महाकथा का आयोजन था। संडे का दिन था, बच्चे भी बड़ी खुशी खुशी आए, लेकिन मौत के मुंह में ऐसे समा गए कि पूरे गांव में हर कोई दहल उठा। सागर में बारिश का कहर जारी है। 2 दिनों से आसमानी आफत बरस रही है जो तबाही लेकर आई उन परिवारों के लिए जिनके बच्चों की मौत इस जर्जर मकान के गिरने से हुई। दरअसल जर्जर मकान के बगल में बच्चे पूजा कर रहे थे, तभी 50 साल पुराने इस मकान की दीवार भरभराकर गिर गई। दीवार गिरी और 9 बच्चे मौत के मुंह में समा गए। जेसीबी से मलबा हटा तो बच्चों की लाशें दिखाई दी। 8 से 15 साल की उम्र थी उन मासूमों की। घायल 2 बच्चे अस्पताल में भर्ती हैं। सागर हादसे के बाद सीएम डॉक्टर मोहन यादव सख्त नजर आए, दोषियों पर कार्रवाई की जाएगी। एक दुखद घटना सागर जिले में हुई है, जहां निजी भवन के पास कुछ बच्चे खेल रहे थे और वहां बच्चों को दबने की सूचना मिली है। प्रधानमंत्री गोविंद सिंह जी, हमारे माननीय शैलेंद्र जी, सबको मौके पर भेजा। माननीय गोपाल भार्गव जी, हमारे राष्ट्रीय नेता, सही सब लोगों से कहा है और जो घटना घटी है उस संबंध में पहले तो राहत के सारे प्रबंधन करें और उम्मीद करेंगे कि जो निजी भवन इस प्रकार के घटना हैं जिनके संबंध में सरकार तुरंत पूरे प्रदेश के लिए एक बार फिर कार्रवाई कराने की बात करेगी। आखिर जिम्मेदार क्यों लापरवाह हो गए? क्यों जर्जर मकानों को पहले चिन्हित नहीं किया गया? मासूमों का गुनहगार कौन कौन है? सागर में पंकज प्रजापति के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़।